तो बात महायुद्ध की कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 40वां दिन है। रूसी सेना हमले करते हुए कीव से पीछे हट रही है, लेकिन मारियोपोल में अब भी रूस का कब्जा है। हमले को लेकर रूस नई रणनीति पर काम कर रहा है, देखिए रिपोर्ट। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 40वां दिन है। रूसी सेना ने राजधानी कीव में तबाही मचाई। यूक्रेन का दावा है कि हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हुई है। कीव से पीछे हटते वक्त बूचा में रूसी सेना ने कत्लेआम मचाया। खंडर हुए शहर में सड़कों पर लाशें ही लाशें हैं। सड़कों पर, घर के बाहर जो भी दिखा उसे गोली मार दी गई। कीव के मेयर का दावा है कि बूका में करीब 300 लाशों को एक साथ दफनाया गया। बीते शुक्रवार 19 दिन से लापता यूक्रेनी पत्रकार मैक्स लेविन का शव भी मिला था। वो कीव में जंग कवर करने गए थे। रूस ने यूक्रेन के शहर एनरहोदर पर भी हमला किया। बम धमाकों और फायरिंग की आवाज साफ सुनी जा सकती है। इस बीच यूक्रेन की इकोनॉमी को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। युद्ध के बीच में यूक्रेन के आर्थिक सुधारों पर चर्चा की गई। बैठक का वीडियो भी जारी किया गया। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि नाटो ने यूक्रेन को सदस्य न बनाकर गलती की है। इससे यह साफ हुआ कि नाटो से भी ज़ेलेंस्की का पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। ये दुनिया के सबसे खूंखार चेचन लड़ाकों की रेजिमेंट है। चेचन लीडर रमजान कादिरोव ने यह वीडियो जारी किया। संदेश साफ है कि मारियोपोल पर रूस का कब्जा है। इस वीडियो में मारियोपोल में चेचन लड़ाकों की सैनिक गतिविधियां दिखाई गई। यहां अभी भी कई नागरिक फंसे हुए हैं, जिनकी मदद के लिए अब तुर्की सामने आया है। तुर्की मारियोपोल से नागरिकों को निकालने के लिए जहाज उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हुआ है। पोलैंड ने यूक्रेन से भागे लोगों की अब तक खूब मदद की है। यहाँ शरणार्थियों के मनोरंजन के लिए 52 सिनेमाघरों में फिल्में दिखाई जा रही हैं। अब तक 65 लाख लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हंगरी में भी यूक्रेन के लोगों को शरण मिली है। बुडापेस्ट में शरणार्थी औरतों और बच्चों ने हंगरी सरकार से यूक्रेन की मदद की अपील की है। ABP News आपको रखे आगे।